उसी कला में जगह जगह छठी का पर्व मनाया गया। इस दौरान छठी मैया को अर्घ दिया गया। कोसी कला में जगह जगह हुई छठ पूजा। यहाँ पर सभी महिलाओं ने सूरज निकलने से पहले पानी में खड़े होकर की सूर्य देव की पूजा और मांगी मनोती। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि हमारे बिहार में छठ पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, जिसमें सभी महिलाओं सूर्य देव से अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने का वर मांगती है, जिसमें महिलाओं की सूर्य देव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए किया जाता है, जहां पर सभी महिलाओं ने विधि विधान और ढोल नगाड़ों से की पूजा, जिसमें महिलाओं के साथ उनके पति भी थे, जिन्होंने आतिशबाजी चलाकर और ढोल नगाड़ा से मनाया छठ पर्व। लोकेश गर्ग, कोसीकला समाचार 24। हाँ जी, बताएं जो आज जो छठ पूजा जो हो रही है वो किस कारण से मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? छठ पूजा पहले से हमारे पुराने जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वही हम मना रहे हैं। बहुत महत्व है हमारे जीवन में, सुख संपत्ति जो भी है, कामना से जिस कामना से श्रद्धा के साथ हम करते हैं हमारी पूरी होती है, इसलिए हम मनाते हैं। और क्या क्या इसका महत्व है? और क्या महत्व है? अरे कैसे मनाई जाती है, कब से पहले क्या व्रत रखा जाता है, क्या? पुराने जमाने प्राचीन कहानी कथाओं में तो जैसे कुंती ने किया था, द्रौपदी ने किया था, सीता मैया ने किया था, अब हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मना रहे हैं। व्रत कब रखा जाता है? व्रत रहता है कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन से शुरू होता है, चौथ के दिन से, चौथी के दिन से नहाय खाय के होता है। नहाय खाय के बाद खरना होता है पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन सूर्य को अर्घ देते हैं, और फिर सप्तमी के दिन सुबह में आके उगते सूर्य को अर्घ देकर हम अपना व्रत का समापन करते हैं। मथुरा के थाना